नमस्कार, मैं आयुषी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि निकट भविष्य में प्रदेश में 24 विधानसभा क्षेत्र के रिक्त स्थानों के लिए उपचुनाव आयोजित होना है तथा जैसा कि सार्वजनिक है कि प्रदेश में कोविड-19 कोरोना की महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तथा उपचुनाव की प्रक्रिया अनुसार एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं को मतदान करना आना होता है। यदि मतदान ईवीएम मशीन के द्वारा आयोजित किया जाएगा तब मतदाताओं को बार बार ईवीएम मशीन पर उंगली से बटन दबाकर मतदान करने पर संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। निर्वाचन आयोग से अनुरोध है कि आगामी 24 विधानसभा क्षेत्रों का मतदान ईवीएम से न करा कर मत पत्र छपवा कर मतदान कराया जाए जिससे कि कोविड-19 महामारी के दौरान मतदाताओं को कोरोना के संक्रमण से संक्रमित बचाया चुनाव न कराए जाए क्योंकि कोविड-19 के अंदर कोरोना की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, हर आदमी प्रभावित हो रहा है। अगर हम ईवीएम से मतदान करते हैं तो ईवीएम मशीन के बटन को बार बार दबाने के बाद एक दूसरे को संक्रमण फैलने की स्थिति रहेगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचाने के लिए लोगों मतदाताओं को हमने मांग की है कि हम मतपत्र से चुनाव कराए जाए। मतपत्र से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से संक्रमण नहीं फैलेगा। ईवीएम पहले भी संदेह जता चुकी है कांग्रेस, ईवीएम तो संदेहास्पद रही है, लेकिन आज का मुद्दा तो कोरोना और कोविड की बीमारी है।